नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त चला है आज की मुख्य खबरों का। अंतर जनपदीय बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक बदमाश मुठभेड़ में हुआ घायल। हरदोई कोतवाली बिलग्राम पुलिस एसओजी स्वाट व सर्विलांस टीम द्वारा दो शातिर अंतरजनपदीय बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल। बदमाशों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 9 किलो डोडा पोस्ता छिलका व दो अवैध शस्त्र बरामद किए। जनपद में लोकसभा सामान्य चुनाव 2024 के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बिलग्राम पुलिस थाना क्षेत्र में हरदोई कन्नौज मार्ग पर परसोला बॉर्डर के पास 4 मई 2024 को रात्रि बॉर्डर चेकिंग के दौरान कन्नौज की तरफ से मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का इशारा करने पर उनके द्वारा पुलिस टीम को देखकर बॉर्डर चेकिंग बैरियर तोड़कर फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल से छिबरामऊ थाना बिलग्राम की ओर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने सक्रियता निभाते हुए पीछा किया। हरदोई कन्नौज मार्ग पर छिबरामऊ निकट बदमाशों द्वारा मोटरसाइकिल मोड़कर छिबरामऊ की तरफ लिंक मार्ग पर भागने का प्रयास किया, अनियंत्रित मोटरसाइकिल गिर गई। पुलिस टीम ने निर्माणाधीन मकान के निकट बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों द्वारा खुद को घिरा देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम द्वारा खुद को बचाते हुए एक बदमाश सुरेंद्र पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम सदरियापुर राजदेव लखासा जनपद संभल को बाय पैर में गोली लगने से घायल होने के कारण गिरफ्तार किया गया। उसका साथी नरेश उर्फ आजाद पुत्र मनीराम निवासी मराहत थाना शिमला कल बिजनौर के मौके पर ही घेराबंदी कर रात्रि लगभग 2 बजे गिरफ्तार करके उसके कब्जे से दो अवैध शस्त्र, 315 बोर, दो खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त 9 किलो डोडा पोस्ता छिलका बरामद हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो चेकिंग की जा रही है, तो बिलग्राम थाना के परसोला बॉर्डर पर रात्रि में लगभग 1 बजे एक मोटरसाइकिल पर दो सवार व्यक्ति उधर कन्नौज की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े, जिनको रोकने का प्रयास किया पुलिस, लेकिन वे बैरियर तोड़ के भागे और गांव छिबरामऊ की तरफ गंगा कटरी की तरफ मुड़े, जहाँ पर इनकी साइकिल गिर गई। पुलिस ने इनकी घेराबंदी किया तो इन्होंने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश सुरेंद्र जो संभल का निवासी है, जिसके ऊपर लगभग लूट और चोरी के 10 मुकदमे दर्ज हैं, गायब हुआ है, और इसका साथी नरेश है जो बिजनौर का रहने वाला है, इस पर भी चोरी और लूट आदि के मुकदमे 5 पंजीकृत हैं, गिरफ्तार हुआ है। इसके पास से तमंचे पकड़े गए हैं और इन्होंने मोटरसाइकिल में अपने डोडा जो मादक पदार्थ है लगभग 9 किलो रखा हुआ था, वो भी बरामद हुआ है। तो हमारी बिलग्राम प्रभारी की टीम, स्वाट टीम, सर्विलांस टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में हमारे एक सब इंस्पेक्टर निशेंद्र तिवारी और एक कांस्टेबल नितिन भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। आज की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए लाइव समाचार के साथ। नमस्कार।